तो प्रेजेंट टाइम का जो कल्चर चल रहा है ना, इंडियन कल्चर बोले, फिर सोसाइटी में, फिर जो है सोशल मीडिया का जो कल्चर चल रहा है ना, उसमें जो है आपको जो है रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, बॉयफ्रेंड कल्चर, बेस्ट फ्रेंड कल्चर, ये सब तो देखने को मिला। लेकिन एक नया वर्ड जो है मेरे को सुनने को मिला है, जिसको बोलते हैं सिचुएशनशिप। तो सिचुएशनशिप, सिचुएशनशिप का मतलब ये हो रहा है कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपका जो है रोल है या फिर जो है आपका रिलेशन है बदल रहा है। मतलब सिचुएशन बन जा रहा है तो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सिचुएशन अगर चेंज हो रहा है तो आप जो है बेस्ट फ्रेंड हो जा रहे हैं, सिचुएशन अगर गलत हो रहा है तो आप भाई बहन हो जा रहे हैं। मतलब सिचुएशनशिप इसी प्रकार से काम कर रहा है। मतलब ये जो वन नाइट स्टैंड है, LGBT कम्युनिटी है, जेंडर आइडेंटिटी है, मतलब ये इस प्रकार जो सोशलाइजेशन बदल रहा है ना, मॉडर्न कल्चर के नाम पर वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं भारतीय लोग, और इसके साथ ही साथ अपने कल्चर को भूल रहे हैं। और इन लोग को पता भी नहीं है कि ये लोग अपने आप से क्या चाहते हैं, दूसरे से क्या चाहते हैं, या फिर उस सिचुएशन क्या चल रहा है। सिचुएशनशिप नाम का नया जो ट्रेंड आया है ना, इतना बकवास है भाई कि इसके बारे में क्या बोलें। और ये जो है आजकल के यूथ को जो है बिल्कुल खा रहा है। और ऐसी चल रहा है कि मतलब लोग अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट, सिंपथी, संस्कार, जो भी कल्चर, उसको भूलते जा रहे हैं। मतलब लोग मतलब केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो नाम है ना, इस लोगों को सोशलाइज इतना करना है कि एक ना एक आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मतलब आपका मन हो या ना हो, आपको उसको रिक्वायरमेंट हो या ना हो, ठीक है, आपको दिखावा करना है। और आपको जो है मन हो या ना हो, फिर भी आपको एक जो है सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप में आना है। तो ये जो है मॉडर्न फैक्टर बनता जा रहा है कि अगर आपके पास कोई लड़की या लड़का बात करने को नहीं है, अगर आपके पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आप सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, आप तो कमज़ोर हैं, फिर जो है आप जो है विकास नहीं कर रहे हैं, फिर आप पीछे हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, या फिर आप जो घटिया सोच है पुराने सोच के इस टाइप का। तो आपको मॉडर्न दिखाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो, दारू पीना पड़ेगा, बियर पीना पड़ेगा। अगर आप मना करें तो आपको कौन से पुराने बाबा आदम के ज़माने को, मतलब आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, आप अलग हो सोसाइटी से। और इस चीज़ पर लोगों को बुरा लग रहा है, मतलब आप एक ग्रुप में खड़े होकर बोलते हैं सिगरेट नहीं पीता, चार लोग पी रहे हैं, तो आपको गलत नज़र से देखा जाएगा कि आप क्यों नहीं पी रहे। मतलब इतना घटिया कल्चर हो चुका है, चार लोग आप दोस्तों के साथ में हो, चारों की गर्लफ्रेंड है, एक की नहीं है, अगर पांचवा लोग है तो उसको बोला जाएगा कि तेरे पास नहीं है, मतलब तू निठल्ला, तेरे मतलब तू कमी है। मतलब तो ये सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि देखो सो कॉल्ड जो है मॉडर्न कल्चर में ना, आपको इसी प्रकार सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब यहाँ संस्कारी रहना ही मतलब अपराध है एक तरह सोचोगे तो। आप जो पुराना कल्चर धर्म को फॉलो करना, अपने पुराना जो है रूट से कनेक्टेड रहना, ये आपको जो है गलत देखा जाएगा। और जो सच में गलत है, हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके आपको सही माना जाएगा, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, भेड़ चाल है, तो आपको भी करना ही पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो, तभी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, तभी आप सो कॉल्ड जो है मॉडर्न जनरेशन के पार्ट बन पाओगे। तो ये हो रहा है। तो भाई मैं ये सब ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं भी मॉडर्न हूँ, अच्छा खासा मॉडर्न हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। देखिए एक तो मैं बता रहा हूँ, तो सीन है ये जो है नैनू सलेजा मूवी का सीन है, ये जो है 2016-17-18 इस पास कुछ आया था, मैं उस समय जो है 17-18 साल का रहा हूँगा। तो यहाँ पे जो एक सीन आता है, देखिए मैं लगा देता हूँ उस क्लिप को। ए, क्या कर रही हो? ये सब शादी की बात करेंगे। शादी? उठो। तू मुझे फास्ट लगा, इसलिए तो मैं तैयार हो गई। ये शादी वादी क्या है? तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? It's just a one night stand. साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड तो सुना है, ये वन नाइट, इसका मतलब एक रात के लिए? क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? Get out. मेरी बात तो सुनो। Get out. एक नंबर की चालू निकली, ठरकी गई की। शादी करेगा। यहाँ पे देखिए राम पथिनी जो हीरो है इसके, यहाँ पे जो है एक लड़की के साथ उनका जो है बार में उनका जो मुलाकात होता है, तो लड़की जो है सब चीज़ के लिए रेडी होती है और बोलती है वन नाइट स्टैंड। मतलब ये जो सो कॉल्ड जो आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है ना, या फिर वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जो कल्चर आ रहा है ना आज के डेट में, तो इसी में वो बोलती है कि वन नाइट स्टैंड बस बात खत्म। तो वो बोलता है मतलब उससे वो पीछे हट जाता है लड़का, वो बोलता है कि परमानेंट जैसी चीज़ होती है, शादी करना है तो बोलो, ये सब ऐसे चीज़ मैं नहीं करूँगा। लेकिन लड़की बोलती है कि ये सब क्या होता है, कौन सीरियस पड़ेगा ये सब चीज़ में, चलो हटो करके पीछे करके उसको जो है मतलब वो चली जाती है। तो इस प्रकार जब ये सिचुएशन मैं देख रहा था ना, जब मूवी देख रहा था, क्योंकि 17-18 साल का रहूँगा, तो मैं सोचता हूँ कि भाई लड़का कितना मतलब मूर्ख टाइप का काम कर रहा है, उसको जो मिल रहा है उसको लेना चाहिए और बाकी भूल जाना चाहिए। अपने को क्या है, जो मिल रहा है उसको लो फिर बात भूल जाओ। लेकिन भाई असल ज़िंदगी में ना ऐसा नहीं होता है भाई, मतलब हम इस चीज़ को फेस किए हुए हैं कि ना आपको सच में सिचुएशन मिलता है ना, तो पता नहीं उसको अपने अंदर के संस्कार कहें या फिर जो हमें जो सिखाया गया है माता पिता के डांट का असर कहें, पता नहीं हमने क्या सीखा है क्या देखा है इसका असर कहें कि ना, ये नहीं हो पाता भाई, क्योंकि हम किसी के साथ फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमें वो शिक्षा नहीं दी गई है, या फिर कोई तो फैक्टर होता है जो आपको रोक लेता है, क्योंकि हमने भी वो कुछ ना कुछ शिक्षा पाया हुआ है। हमें उस समय लगता था कि मतलब ये हीरो गलत कर रहा है, इसको जो मिल रहा है उसको वन नाइट स्टैंड है, जो भी है उसको फ़ायदा उठा लो और निकल लो, क्या मतलब। लेकिन सच में अपने साथ भी हो रहा है तो
हम खुद उस चीज़ को चाहते थे लेकिन अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अपने अंदर जो संस्कार बोले, कल्चर बोले, फिर रूट से जो कनेक्शन बोले और जो घर वालों की जो परवरिश है, कहीं ना कहीं कुछ तो जो है इफेक्ट, कुछ तो कॉज जो है आ रहा है बीच में। कि सच में हम ये नहीं चाहते कि किसी के फीलिंग के साथ हम खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हैं यार, कि किसी के मतलब टाइम पास करने के लिए या फिर जो है टेम्प्ररी किसी का जब फ़ायदा उठा के किसी के फीलिंग के साथ खेल के कुछ भी कर लो, तो ये जो है मतलब अपने आप से नहीं होता, ये कहीं ना कहीं रोक देता है इस चीज़ को। तो ये समझ में आता है कि सच में हमें जो है परवरिश मिली है वो कहीं ना कहीं हमारे जो है अंतर मन में, हम कितना भी अपने आप को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करें, फिर मॉडर्न अपने आप को मॉडर्न बना ले कि हम जो है मल्टीपल पार्टनरशिप या फिर जो है अनस्टैंड सब चीज़ को सपोर्ट कर लें या फिर अपने आप को कितना ही लिबरल दिखा लें, मॉडर्न दिखा लें, लेकिन कहीं ना कहीं भाई वो संस्कार हमारे अंदर है, ये जो है इस चीज़ से पता चलता है, इस चीज़ को हमने फेस करके देखा है। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने जो हमारे जो परवरिश मिली है, हमें जो कल्चर जो मिला है, हम जो अपने रूट से कनेक्टेड हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, टेम्प्रेरी किसी का यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कॉज करता है। अरे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को जान के हमारे अंदर ये चीज़ है, तो आप अपने अंदर भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कि अगर आपके अंदर भी ये सब चीज़ कॉज कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपने जो मर्यादाएं हैं, अपनी परवरिश कुछ ना कुछ याद आ रहा है, कुछ बीच में आ रहा है, भले आप कितना मॉडर्नाइज हो जाए, फिर कोई भी आप जो किसी भी चीज़ की कितनी भी चाहत रखे, तो आप अपने आप को समझ लीजिएगा कि आपको संस्कार कहीं ना कहीं अच्छा ही मिला है। क्योंकि आजकल जो है सभी को किसी न किसी को देख के, किसी न किसी के सुन के, या तो नशे करने हैं, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में जाना है, फिर मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना है, या फिर जो है कोई ना कोई पार्टनर ही चाहिए वाला, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को सोचते हुए सुनते हुए ना, अगर आप में भी ये चीज़ आ रही है ना भाई कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ गलत करने से, किसी के साथ फीलिंग्स के साथ खेलने से अपने आप को रोक पा रहे हो, या आपको ये गलत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी परवरिश भी अच्छी खासी हुई है और आपको जो है अच्छे खासे संस्कार दिए गए अपने माता पिता के द्वारा। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि सिचुएशनशिप नाम पर आज जो भड़ास जो छाया हुआ है ना एक तरह से, जो है ये तो हमारी समझ के बाहर है भाई। आप अगर इसको एक्सप्लेन करते तो कमेंट्स जरूर बताइएगा, बाकी मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी ये तो अपना ओपिनियन था, अपना जो फीलिंग्स था उसको शेयर कर दिया। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।